मेकअप करने के बाद आखिर हमारी स्किन इतनी काली क्यों हो जाती है? जब भी हम मेकअप करते हैं हमारे मेकअप के 1 या 2 घंटे के बाद हमारी स्किन काली यानी ग्रे होने लगती है, तो ऐसे में हमारे क्या समस्या हो जाती है हमारी स्किन में? हमने ऐसा क्या यूज़ कर लिया जो हमारी स्किन काली हो रही है? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या हम गलती करते हैं और इससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारा मेकअप काला क्यों होता है। तो गाइज़, हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसे कई ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, जैसे कि हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब हुआ। तो इनको जब हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं और घंटे दो घंटे बाद वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका मेकअप प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन के ऑयल से जब वो मिक्स होने लगता है तब वो ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है तभी उसी टाइम हमारा स्किन जो है काला होने लगता है। ये ऑयल जो है वो ज़्यादा ना निकले आपकी स्किन से, या फिर आप ऑयल फ्री वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो होने पर भी आपकी स्किन काली ना हो। तो गाइस, एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे आलू होता है, आलू को काट के रखने पर वो थोड़ी देर बाद काला होने लगता है, तुरंत नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया है और तभी भी आलू जाके काला हो जाता है। तो वैसे ही हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो एसिडिक होता है, एंड इसीलिए हमारे स्किन में ऑयल जो है वो मेकअप के साथ मिलकर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज होते हैं और हमारी स्किन में लगे हुए मेकअप जो है वो काला हो जाता है। मेकअप जो है हमारा वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज होता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे टाइटेनियम ऑक्सीडाइज्ड, जिंक ऑक्सीडाइज्ड एंड टाइटेनियम डाइऑक्सीडाइज्ड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स फाउंडेशन में, कंसीलर में होते ही होते हैं, पर ध्यान रहे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। तो जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर लें तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, ऐसे कंसीलर एंड फाउंडेशन का यूज़ करें आप। अगर हमने मेकअप कर लिया है, मेकअप करने के बाद हम ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें, क्योंकि धूप में रहने पर भी हमारी स्किन काली होने लगती है, हमारे मेकअप डल होने लगते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भले ही आप सनस्क्रीन वगैरह लगाए हो, फिर भी आप मेकअप करते ज़्यादा देर धूप में ना रहें, इससे आपके मेकअप होने के ज़्यादा से ज़्यादा काले होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो गाइज, ये सारी मिस्टेक्स थी हमारी जो हम मेकअप के करने के बाद थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं, आप बात करते हैं अपने प्रिकॉशंस में कि हमें मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसे क्या प्रिकॉशन के ध्यान रखना है जिससे कि हमारा मेकअप काला ना हो। तो सबसे पहले बात आती है हमारे स्किन की, हमारे स्किन को प्रॉपर स्किन केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि आप क्लींजर यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करें जिसमें ज़्यादा ऑयल है, तो ध्यान रहे आपको ऑयल फ्री क्लींजर, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, जिससे कि ज़्यादा ऑयली आपकी स्किन नहीं होगी। तो मेकअप करने पर ऑयल ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा, तो मेकअप में जाके वो मिक्स नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड ऑक्सीडाइज होगा भी तो वो काला नहीं होगा। तो इसीलिए ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गाइज, हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है कि हमें प्राइमर यूज़ करना है। तो हम मेकअप से पहले प्राइमर को ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, तो प्राइमर का यूज़ क्या होता है एग्जैक्टली? सही प्राइमर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सही प्राइमर का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो प्राइमर बेसिकली हमारे स्किन और मेकअप के बीच का एक लेयर होता है, तो उसे अगर प्रॉपर रखेंगे आप तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज कम होगा, एंड आपका लास्टली आपका मेकअप काला नहीं होगा। तो सही प्राइमर का यूज़ करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप सिलिकॉन बेस वाले प्राइमर का यूज़ करें जिसमें कि सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वो वाले जो भी आपके प्राइमर होते हैं वो अपने आपके स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देंगे, एंड अगर आपके ओपन पोर्स को वो मिनिमाइज़ कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो आपकी ऑयल स्किन से बिल्कुल भी नहीं सिक्रीट होंगे, एंड वो आपके मेकअप में नहीं जाके एब्जॉर्ब होंगी, तो इससे आपका मेकअप काला नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने प्राइमर को यूज़ करना है जिससे कि आपके स्किन के ऑयल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना सिक्रीट हों। इसके बाद आता है हमारा फाउंडेशन। तो बेसिकली हम फाउंडेशन अपने स्किन टोन के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आप फाउंडेशन को लें, मेक श्योर आपको करना है आपका फाउंडेशन ऑयल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, एंड आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आपके फाउंडेशन या कंसीलर में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए एंड ग्रीन टी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं आपके ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एक्सेसिव ऑयल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जो कि मेकअप में बिल्कुल भी नहीं जाके मिक्स होगा, तो काला नहीं होगा आपका मेकअप। तो इसीलिए ऑयल फ्री फाउंडेशन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूंगी
कि जैसे कि आपका मेकअप लगे हुए बहुत ज़्यादा देर हो गया, मतलब घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, एंड अब आप पार्टी या वेडिंग में हो एंड इस दौरान आपके मेकअप जो है काला होना स्टार्ट हो रहा है एंड आप देख रहे हैं आपका मेकअप ग्रे हो रहा है, तो बेसिकली आप उस टाइम क्या ही कर सकते हो क्योंकि आपने मेकअप कर लिया है एंड आप इतने ज़्यादा गैदरिंग में हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको एक काम करना है कि अपने टिश्यू पेपर को लेना है एंड अपने स्किन में पूरे डैब डैब करके जितने भी ऑयल हैं वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी स्किन के जितने भी ऑयल हैं वो टिश्यू पेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड अगर ऑयल कम हो जाएगा तो आपकी स्किन काला जो हो रही है वो नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर को अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लें, इससे क्या होगा कि आपका पाउडर जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा एंड ऑयल ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा एंड आपके जो कालापन है उसको भी ख़त्म कर देगा। फाउंडेशन को यूज़ जो करते हैं तो उसका बॉटल कैसे आप बंद करके रखते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है अपने फाउंडेशन के बॉटल को हमेशा टाइट लॉक करके रखो ताकि उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन जा ना सके बिल्कुल भी, वरना वो आपके यूज़ करने से पहले ही बॉटल में ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड ऑक्सीडाइज होने पर फाउंडेशन डार्क हो जाता है, इसलिए आपकी स्किन काली होती है। तो अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है एंड ऑक्सीडाइज हो गया है तो मेक श्योर आप वो फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि वो जो है आपकी स्किन को ऑब्वियसली काली करने वाली है। तो अभी मैं यही बताऊंगी कि फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद उसको बहुत अच्छे से लॉक करें, बहुत ही अच्छे से, जिससे कि स्किन में प्रॉपर कॉम्प्लेक्शन को आपके इम्प्रूव करके रखे वो। गाइस हमारा टिप नंबर 6 ये है कि आपने जब भी मेकअप करना है, मेकअप करने से पहले अगर आप समर्स में मेकअप कर रहे हैं तो आइस क्यूब लेके अपने पूरे फेस को अच्छे से आइस से रब कर लें, बहुत ही अच्छे से एक आइस क्यूब को ख़त्म कर लें अपने पूरे फेस पे। एंड अगर आप विंटर्स में या फिर किसी और सीजन में आप मेकअप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल या फिर ग्लिसरीन को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें अपने पूरे स्किन में, जिससे कि क्या होगा आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके ओपन पोर्स प्रॉपर लॉक हो जाएंगे। एंड आपको तो पता ही है ओपन पोर्स ही हमारे ऑयल जो है वो सिक्रीट होते हैं हमारी स्किन में, तो इसके लिए आपको अपने ओपन पोर्स को लॉक कर देना है क्योंकि ओपन पोर्स अगर लॉक हो जाएंगे तो आपके ऑयल नहीं निकलेंगे आपकी स्किन से एंड वो आपके मेकअप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। तो मेक श्योर आपको मेकअप करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने फाउंडेशन को लेती हूँ एंड उसमें मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यानी मैं अपने जो फेस पे पाउडर लगाती हूँ उसको उसमें मिक्स करती हूँ एंड इसके बाद उसको मिक्स करने के बाद वो फाउंडेशन मैं अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है एंड हमारा मेकअप काला नहीं होता, ग्रे नहीं होता, फाउंडेशन हमारा डार्क नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसे ज़रूर अप्लाई करना जब फाउंडेशन लगाएं, उसमें ज़रूर थोड़ा सा पाउडर आप डाल लें एंड उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई कर लें। बट फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट दोनों आपकी स्किन टोन से मैच करता होना चाहिए क्योंकि वो स्किन पे टेक्सचर एकदम अच्छा सा आए, इसीलिए हम हमारे कॉम्पैक्ट का और फाउंडेशन का टोन जो है बहुत ही अपने स्किन से मैच करता हुआ लेंगे। तो ये पॉइंट्स से हमारे जो कि हमारे स्किन में ऑयल फ्री होने के बहुत चांसेस को इम्प्रूव करेगा, तो इसको ज़रूर अपनाएं जब भी आप मेकअप करें, मेकअप करने से पहले, मेकअप करने के बाद, जो भी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें शेयर की है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, जिससे कि आपकी स्किन ऑयल फ्री रहेगी एंड ऑयल फ्री होने पर ही आपके स्किन का मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा एंड आपकी स्किन का मेकअप ग्रे आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया है। सो गाइज अगर मेकअप करना नहीं आता मैं आपको आई बटन पर लिंक दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दूंगी, वहाँ से जाकर आप मेकअप करना सीख सकते हैं, चाहे आपकी ऑयली स्किन और ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कैसी भी स्किन हो, हर प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है उस वीडियो में जाके आप चीज़ सीख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर बिल्कुल भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तभी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द किरण, बाय बाय।